दीदी ये येलो फ्लावर देना। चाहत का सिलसिला है, दिल का इनबॉक्स भरा है, रोज नई रिक्वेस्ट पे भी दिल ने रीट्वीट किया है। तुझको ही चाहता है, तुझे एक आई वक्त इस थैंक यू मम्मी। बस भैया रुको 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 भैया आद्या। अरे हीरो आद्या पैसा कौन देगा? जय यहां तक आ गया। एक सेकंड दे रहा हूं यार। कहां गई आद्या? ये तो कोई मीडिया कंपनी है। आई एम श्योर आद्या ने एज अ राइटर यहीं ज्वाइन किया होगा। हाँ भैया अगर जय मित्तल नाम का कोई भी लड़का मुझे ढूंढते हुए है ना तो उसे यहीं से भेज देना, अंदर मत आने देना। आद्या वर्मा से मिलना, अंदर जॉब करती हूँ। यहाँ कोई आद्या वर्मा नहीं है, आप जाइए यहाँ से। ए यार आप झूठ क्या बोल रहे हो? अरे अरे बोरी चलो आपसे बोला ना आप जाइए यहाँ से। अरे यार बात सुनो, मुझे मुझे उससे मिलना जरूरी है, फटो। बिना मुझे कुछ टेलिंग किए चला गया ना लड़का। इस बालिका बाजार की चप्पल ने उसका भेजा फ्राई करके रखा हुआ है, अब खुद मुंबई जाकर उसे रोकना पड़ेगा। कोई फायदा नहीं है बहू। मम्मी जी? हाँ बेटा, जितना जय को रोकोगी ना उतना दूर जाएगा। और प्यार तो ऐसी चीज है, ना किसी के रुके रुकी है ना किसी के किए होती है। बहुत प्यार सबूत तुम्हारे सामने है बेटा, तुमने कितनी कोशिश की जय और आध्या को एक दूसरे से अलग करने की, लेकिन क्या फायदा हुआ? तुम्हारा जय आध्या के पीछे पीछे चला गया ना बम्बई। इतनी रोका टोकी अच्छी बात नहीं होती, थोड़ा कम करो। यहां तक तो आ गया, अब अंदर कैसे जाऊं?
आध्या, तुम ही हो इनकी इंटरनेट वाली फ्रेंड? हाँ, मैंने तो उस दिन मजाक में कहा था, ये तो सच निकला। Come on, आद्या, he's so adorable. I guess तुम्हें इसे माफ कर देना चाहिए। ना ही मैं किसी की इंटरनेट वाली फ्रेंड हूँ और ना ही मैं इसे जानती हूँ। He's too cute. देखो वो तुम्हारे लिए दिल्ली से यहाँ आ गया। मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। Guys, listen, बॉस आ गए हैं, so please तुम्हें जो करना है ना ऑफिस के बाहर जाके करो, please। आध्या, 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 आध्या मेरी बात सुनो, आध्या, आध्या, आध्या। तुम्हें एक बार मैंने कहा ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। प्लीज प्लीज अकेला छोड़ दो मुझे, प्लीज अकेला छोड़ दो, वरना मैं यहां से भी जॉब छोड़ के चली जाऊंगी। आते एक एक मिनट में मेरी बात तो सुन, प्लीज चले जाओ यहां से, ना ही मुझे तुम्हारी कोई सॉरी सुननी है, ना ही तुमसे कभी मिलना है। बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज आज के बाद मुझे अपना चेहरा मत दिखा। ये फोन क्यों नहीं पिकिंग कर रहा जय? पता नहीं कहाँ है। हे भगवान जी, कहीं उस पाली का बाजार की चप्पल से मिल तो नहीं लिया? नो 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 नो, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बिजी हो, तुम्हारा मिस कॉल देखेगा ना तो कॉल बैक कर लेगा, है ना मम्मी जी? अरे मम्मी जी, आई हेल्प। वैसे मम्मी जी, उस लोहड़ी की रात को जय ने जो आद्या की इंसल्ट की थी ना, उसके बाद वो आद्या खुद ही उसे कभी माफ नहीं करेगी। One minute, मम्मी जी। अरे कहाँ? Finished. रूपा, जय वैसे तुम्हारा ही बेटा है, अगर तुम हार नहीं मानती तो वो कैसे मान सकता है? चाय 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 सर, चाय।
मैडम आपकी चाय, चाय बोलो, चाय बोलो, चाय बोलो सर, चाय। मैडम आपकी कड़क चाय, चाय 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 चाय। ये सब क्या है? ये जॉब है मेरी। अब जब तक तुम मान नहीं जाती, वापस मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं बन जाती, तो कुछ ना कुछ काम तो करनी है, तो तब तक मैं तुम्हारे ऑफिस में चाय बांटूंगा। प्लीज मैंने तुमसे कहा ना, प्लीज चले जाओ यहाँ से। आद्या क्यों परेशान कर रही हो बेचारे को इतना, माफ कर दो यार अब। एग्जैक्टली, ही इज सो क्यूट, इतना सब कुछ अपने फ्रेंड के लिए कौन करता है? आई एम श्योर कि ये कहीं ना कहीं प्यार करता है आद्या से। प्लीज प्लीज चले जाओ यहां से, प्लीज। लैपटॉप को क्या हो गया? चल क्यों नहीं रहा? कौन मेरा आर्टिकल? हुआ क्या? Yes ma'am, हो गया आपका लैपटॉप ठीक। Thank you। अब आपकी फीस कितनी हुई? अब लैपटॉप चेक कर लीजिए पहले। कम? मैडम ये आपके लिए। पर मैंने तो कुछ ऑर्डर ही नहीं किया। पता नहीं कोई देखे गए आपके लिए। थैंक यू। हेलो। हेलो हाँ कायरा। हाँ जय बोलो। सुनो ठीक है मैं करती हूँ, डोंट वरी, बाय। अचानक बाहर क्यों जा रहे हैं? क्या रहा का मैसेज? नीचे देखो
कॉल कर। कॉल कर जय। जय वैसे तुम्हारा ही बेटा है, अगर तुम हार नहीं मानती तो वो कैसे मान सकता है? नो नो, मेरी स्ट्रिक्ट वार्निंग के बाद उस पाली का बाजार की चप्पल की हिम्मत तो नहीं होगी जय की लाइफ में वापस आने की, लेकिन अगर उसने थिंकिंग की ना तो डायरेक्ट पंगा लेगी द फेमस रूपा मित्तल से। आद्या तुम समझ क्यों नहीं रही हो, मैं जो कुछ भी हो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, प्लीज 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 माफ कर दो मुझे। ठीक है, किया मैंने तुम्हें माफ, लेकिन प्लीज अब छोड़ो ये सब और चले जाओ यहाँ से। जय एक सेकंड। चले जाओ मतलब? अब तो माफ कर दिया ना तुमने मुझे, अब कहाँ जाऊंगा मैं? कहीं नहीं जा रहा हूँ, समझ गई तुम्हें बात? और मैं तुम्हें साथ में लेके जाऊंगा, यहाँ अकेले नहीं छोड़ूंगा, मेरे साथ जाओगी? और मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। जय प्लीज यहाँ से चले जाओ, वरना मुझे ये जॉब भी छोड़नी पड़ेगी। आद्या तुम बात क्यों नहीं समझ रही, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूं। क्यों? क्योंकि तुम मेरी फ्रेंड हो, मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मैं नहीं रह सकता हूं तुम्हारे बिना। पर जय और भी तो दोस्त है ना तुम्हारे। हाँ पर तुम स्पेशल हो ना यार, तुम्हारे केस में मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे मैं बड़ा अजीब सा हो जाता हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। अरे कली की बात ले लो, दूध वाली, सब्जी वाली, झाड़ू वाली, आई डोंट नो कौन, कोई भी लड़की हो यार, रैंडम चलती है, मुझे सिर्फ तुम दिखाई दे रही हो। मुझे भी नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, आई डोंट नो, आई कांट एक्सप्लेन। आदि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ऐसा नहीं है यार, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही है, मैंने कुछ डेट नहीं किया, मेरे फ्रेंड्स नहीं रहे हैं, बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रही हैं, बहुत लड़कियों को डेट किया, ऐसा मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ है। थोड़ी सी भी सेल्फ रेस्पेक्ट अगर बाकी होगी ना तुम्हारे अंदर, तो तुम खुद जय को अपने करीब नहीं आने दोगे। I can't explain, seriously Adi. Fine. एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो और फिर देखते हैं मैं तुम्हें दिखती हूँ या नहीं। आदि अब ये क्या बचपन है यार, आंखें बंद करो, करो तो सही। क्या बचपन है, ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, करो एक बार। ओके फाइन। बात करके ऐसा लगता है जैसे दिल का ना पेट ही भर गया हूं, जो समझ नहीं आ रहा ये सब क्या है। और कितने सिग्नल्स चाहिए तुम्हें? यू आर इन लव भैया, और जाओ जाकर उसको अपने दिल की बात कह ही दो। लड़की के लिए पिट रहा था। इतना सब कुछ अपने फ्रेंड के लिए कौन करता है? आई एम श्योर कि ये कहीं ना कहीं प्यार करता है आद्या से। देखा नहीं दिखी ना मैं, यही तो बात है कि हमारे बीच में कुछ भी स्पेशल नहीं है। आज के बाद इंटरनेट वाला दोस्त मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। हमारी दोस्ती थी लेकिन अब वो भी खत्म हो चुकी है, इसलिए प्लीज आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना।